माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इंडिसेस। इंडिसेस लॉ का ही पार्ट्स है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज ही है जो लॉ में आप यूज करते हैं या आप जनरली लोअर क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम बुक्स ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पर ये टॉपिक डिस्कशन किया गया है, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सोचे एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोग को ये टॉपिक से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन स्किप ना हो, आप बिल्कुल सही सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है? तो लेट ए बी एनी रियल और इमेजिनरी नंबर एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर देन ए टू द पावर एन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए इंटू ए इंटू कहाँ तक? सो ऑन एन टाइम्स तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए जो है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये जो एन है इसको आप क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। एन को आप क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, या इसको आप इंडेक्स कहते हैं, या इसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर? इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी है ए टू द पावर जीरो, तो वैल्यू उसका वन होगा। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ए का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? ए टू द पावर अगर एम प्लस एन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन लिख सकते हैं। बेस सेम, पावर ऐड हो जाता है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, आप इसको जानते होंगे। ए टू द पावर एम माइनस एन है तो ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन लिख सकते हैं। अगर ए टू द पावर कहीं दिया हुआ है एम और ये एन दिया हुआ है तो आपका ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आप ये भी जानते होंगे। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है, अगर ए टू द पावर पी अपॉन क्यू है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत आदमी कन्फ्यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें, ध्यान दीजिएगा। ए टू द पावर क्यू लिख सकते हैं और होल पावर क्या हो जाएगा? वन बाय क्यू। अगर पावर वन अपॉन कुछ है तो क्या होता है? ये रूट होता है ए टू द पावर क्यू, और किस रूट पे होगा? तो यहाँ पर क्यू दिया हुआ है तो क्यू रूट पे आपका हो जाएगा ये। सिक्स नंबर है, ए टू द पावर अगर एम दिया हुआ है, ठीक है, और बी टू द पावर एन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? ए बी टू द पावर एम एन लिख देते हैं, लेकिन ये सारे केस के लिए ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ही सही नहीं होगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपका है इंडिसेस का। हम कुछ क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको बताते हैं जो रिसेंट के ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर m, l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर इंटू x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर l इंटू एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एल स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है ना। तो ये आप क्या प्रॉपर्टीज पढ़े हैं? अगर डिवाइड में है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको माइनस में कर सकते हैं, तो एल माइनस एम हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू, ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा आपका? एम माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा आपका? एन माइनस एल इंटू एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एल क्यू माइनस एम क्यू का, आप जानते होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, उसी काम यूज़ कर लिया। अब ये एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, एम क्यू माइनस एन क्यू इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, एन क्यू माइनस एल क्यू, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर लिए। सेम बेस पे सारा क्या है, सेम बेस पे सारा नंबर है ना, सबका ये बेस सेम है, तो ये आपस में प्लस हो जाता है, एम क्यू माइनस एन क्यू प्लस एन क्यू माइनस एल क्यू, ये कट गया, एम क्यू भी कट गया, एल क्यू भी कट गया, क्या हो गया आपका एक्स टू द पावर जीरो, इसका वैल्यू आपका वन हो गया, ठीक है। तो ये पहला नंबर आपका सॉल्यूशन हो गया, आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं थ्री का पावर, सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ एन प्लस वन है, एन माइनस वन है, ये आपका एन प्लस टू है, ये वन बाय थ्री होल टू द पावर वन माइनस वन, वन माइनस एन है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, थ्री की पावर एन माइनस वन है, ठीक है। तो इसको भी तोड़ते हैं, अगर हम थ्री की पावर एन माइनस वन लिख लेते हैं तो बेस सेम तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, यहाँ एन प्लस वन है, एन माइनस वन हम लिख चुके हैं, क्या लिखना पड़ेगा, प्लस टू लिखना पड़ेगा, तो एन माइनस वन प्लस टू, तो एन प्लस वन हो जाएगा, ये आपका वही चीज़ आ जाएगा, ये सेवन इंटू थ्री की पावर एन माइनस वन, ये तो खुद ही स्मॉलेस्ट है, इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कितना है, थ्री टू दी पावर एन माइनस वन आप लिख लीजिए, होना कितना चाहिए, प्लस टू होना चाहिए, तो ये थ्री का क्यूब लिखना पड़ेगा, माइनस टू इंटू ये वन बाई थ्री दिया हुआ है ना, इसको थ्री की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, ये वन माइनस एन, अब टू की पावर थ्री एन माइनस वन इंटू क्या हो गया आपका नाइन हो गया, तो इसको एट्टीन हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, एट्टीन इंटू दिस प्लस सेवन इंटू थ्री की पावर एन माइनस वन होल अपॉन ये थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, थ्री की पावर एन माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस शिफ्ट अगर करेगा तो थ्री पर पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन, अब होल से हम क्या देख रहे हैं थ्री टू दी पावर एन माइनस वन कॉमन है, तो यहाँ से 18 बच गया पहला टर्म से, दूसरा टर्म से कितना बच गया 7 होल अपॉन नीचे भी कॉमन है थ्री की पावर एन माइनस वन बाहर निकाल लीजिए तो ये कितना हो गया आपका 27 माइनस टू बच गया, तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया 25 अपॉन 25, तो कट के आपका आंसर हो गया 1 जो पहला नंबर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ आपका 2/3 होल टू द पावर एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू, अगर हम इस 3/2 को 2/3 ही कर लेंगे तो दोनों का क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा, तो पावर को हम आपस में इक्वल कर लेंगे। क्या तरीका है इसका करने का, अगर हम इसको 2/3 लिखेंगे ना तो होल पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, और इंटू में तो जो आपका दिया हुआ है ये तो है ही दिया हुआ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पर पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2x प्लस हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो इधर भी क्या दिया हुआ है, इधर भी बेस 2/3 ही दिया हुआ है, तो पावर सेम कर लेंगे, x प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस टू, ठीक है। आप x को एक तरफ ले आइए और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए, तो ये कांस्टेंट 2 प्लस टू 4 हो जाएगा, इधर x आके घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 4 आपका आंसर हो गया, जो सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में आपका दे रखा है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दो चीज़ दे रखा है, पहला क्या दे रखा है 2 की पावर x, ये 4 की पावर y है, तो इसको 2 की पावर 2y आप लिख सकते हैं, 8 की पावर z है तो 2 की पावर 3z लिख सकते हैं, इसको हम k एज्यूम कर लेते हैं। k एज्यूम करने से फ़ायदा ये होगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बेस सबका सेम है, तो x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3j, z इज इक्वल्स टू k हो जाएगा, मतलब अगर x का हम वैल्यू निकालेंगे k के टर्म में तो k हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा k अपॉन 2 हो जाएगा, एंड z का वैल्यू कितना हो जाएगा k अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है 288 है, नाउ एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है 288 है, बट अगर हम एक्स वाई जेड निकालेंगे गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा k इंटू के बाई टू इंटू के बाई थ्री, तो ये हो जाएगा k क्यू अपॉन कितना 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 288, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आपका
12 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप क्यूब कर दीजिएगा, है ना। इधर जाएगा ये क्यूब, तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। देयरफोर एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका, के मतलब 12 हो गया। वाई का वैल्यू कितना हो गया आपका, वाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 12/2, तो ये 6 हो गया। और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/3, तो आपका 4 हो गया। नाउ आपसे पूछ क्या रहा है, 1/2x, है ना। x का वैल्यू 12 है, तो ये 24 हो जाएगा, प्लस 1/y का वैल्यू 6 है, तो 4y है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस 1/z का वैल्यू 4 है, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। आप सबका LCM ले लीजिए, LCM लेके आप सॉल्व कर लीजिए। LCM लेके जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 11/96, है ना। आई थिंक हम ये मान के चल रहे हैं सबको LCM आता होगा। ऐसा ना हो कि आप बोले सर इसका LCM ही नहीं आ रहा, पता नहीं आप कैसे आंसर लिख दिए, ठीक है। तो LCM आप ले लीजिएगा ना। हिंट के लिए हम बता देते हैं, अगर आप किसी को याद नहीं हो तो क्या करते हैं, इसमें डिवीजन करते हैं, ठीक है। जैसे 2 से डिवीजन किए तो ये 6 टाइम गया, 2 से किए तो ये 12 टाइम गया, 2 से किए तो ये कितना टाइम गया, 16। अब फिर देखिए 2 से है क्या, है 2 से डिविजिबल 3 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 8 टाइम। अब 2 से है क्या, एक बार और जाएगा ये, तो 3 में तो लगेगा नहीं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब कितना से लगेगा, 3 से, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 4 ही हो गया। तो LCM आपका कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 4, तो ये आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका कितना आ गया, ये आपका 96 आ गया। तो ये कितना टाइम जाएगा, यहाँ 4 टाइम, यहाँ कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम, यहाँ कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो 4 4 8 और 3 कितना हो गया, 11/96। देखिए सेम आया ना जो हम लिखे। अगर नहीं LCM आ रहा है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।